हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैश्य कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे आलू का बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 मैंने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं। सबसे पहले हमने कच्चे आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम इसके छिलके निकाल लेंगे और इसको पानी में डाल देंगे, क्योंकि आलू जो है वो जल्दी काले पड़ जाते हैं। इसलिए इसको हम इसके लिए मैंने यहाँ पे बाउल में पानी पहले से लेके रखा है। तो इसी तरीके से सारे आलूओं को छील करके आपको पानी में ऐड डाल देना है। उसके बाद इसको इसी में कद्दूकस कर लेना है। तो मीडियम साइज़ के कद्दूकस से आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। मैंने इसको छोटे वाले कद्दूकस से किया है। आपको जो भी साइज़ चाहिए हो उससे यहाँ पर ग्रेट कर सकते हैं। सारे आलू को मैंने कद्दूकस करके इनको पानी में ही छोड़ दिया है। यहाँ मैंने एक गाजर लिया है और यहाँ पे लिया है अनियन। तो गाजर को भी इसी तरीके से हम छील लेंगे और इसको धो करके इसको भी हमें ग्रेट कर लेना है। इसके आगे और पीछे का भाग हम निकाल देंगे और इसको वॉश करके हम फिर से इसको भी कद्दूकस कर लेंगे इसी ग्रेटर से। तो गाजर को मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। अब हम प्याज को भी काट लेंगे। आप चाहें तो अनियन को चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको हाथ से ही चॉप कर रही हूँ। तो थोड़ा बारीक बारीक हमें इसको चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में चॉप नहीं करना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे अनियन को चॉप कर लेंगे। तो सारी सब्जियों को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर आलू में से हम पानी को अलग कर देंगे, निचोड़ लेंगे हम इस तरीके से। हाथ से प्रेस करते हुए पानी को निकाल देंगे और आलू को अलग कर लेंगे और पानी को हटा देंगे। आलू को हमने एक बाउल में रख लिया है। अब इसी में हम डालेंगे प्याज और गाजर भी हम इसी में डाल देंगे। अब डालेंगे फ्रेश धनिया कटी हुई, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच चावल का आटा, लास्ट में जो भी कम लगे आप इस तीनों में से कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 2 चम्मच बेसन। कम या ज़्यादा होगा तो हम बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। बस अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। पहले इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि सब्ज़ियों में पहले इतना पानी है। जितना भी सब्ज़ियों में पानी है पहले हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों में। तो हम हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि इसका जो डो है वो बहुत थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, इसलिए इसको हम पतला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सब्ज़ियों में जितना भी पानी था मैंने इनको मिक्स कर दिया है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। ऐड करके आपको फिर इसी तरह से मिक्स करना है। तो बस हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ही होती है। तो बस एक कलछुल बैटर को ऐसे लिया और डालेंगे पैन में। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको फैलाइए, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको मैं गोल साइज़ में बना रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे साइड में और इसको नीचे से सिकने देंगे। जब ये नीचे से सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। आप देख पा रहे हैं ऊपर से ड्राई हो गया, यानी कि नीचे से सिक चुका है। तो बस इसको पलट देंगे और 1 मिनट तक नीचे से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये हमारा आलू का नाश्ता बन के तैयार होता है। और हम इसमें अपनी मनपसंद की वेजीज आप इसमें मिला सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप ये रेसिपी। तो बस हमारा ये नाश्ता बनके हो गया तैयार। इसको हम बाहर निकालेंगे और अपनी मनपसंद चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसको टोमेटो केचप से सर्व किया है। आप अपनी मनपसंद डिप के साथ इसको एंजॉय करिए। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पर। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।